देश में बढ़ रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए यातायात विभाग लगातार यातायात जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसको लेकर एसपी ट्रैफिक ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत यातायात विभाग ने महिला बाइक चालकों को निशुल्क हेलमेट देने की योजना बनाई है, जिसमें यातायात विभाग पहले चरण में 96 महिला बाइक चालकों को हेलमेट देने का निर्णय लिया है, जिसके लिए जो भी महिला चालक हेलमेट लेना चाहती है वो यातायात कार्यालय पर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ संपर्क कर सकती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया। यहाँ पे बैरियर लगवा दो, यहाँ पे आप बसें जाएंगे। सही बोल रहा है। कितना लोग यहाँ आएंगे और कितने लोग हेलमेट नहीं मिल रहा है? ये हम लोग 96 हेलमेट्स वितरित कर रहे हैं, जो महिला एवं बच्चियों के लिए है, जो जिनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस, वैध ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध होगा, उनको ये हेलमेट दिया जाएगा। तो किस तरह यहाँ पहुँचेगी? कोई रजिस्ट्रेशन? यहाँ पे हमारे हमने काउंटर खोल दिया है, जिसमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो कापी लेके और उसकी फ़ोटो कापी देंगे, अपना फ़ोन नंबर उपलब्ध कराएंगे। जब हमारे 96 लोग पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम SMS या WhatsApp से सूचित करेंगे किस स्थिति को हेलमेट वितरण हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्या संख्या आगे भी बढ़ सकती है? तो 96 अभी तो फिलहाल यही है, उसका आगे का प्लान रहेगा। तो क्या उद्देश्य है इस तरह का आपका? इसका उद्देश्य यही है, लोगों में हेलमेट पहनने की भावना को प्रोत्साहित करना, जिससे वो अपने जीवन की रक्षा कर सके, क्योंकि मैक्सिमम जो दुर्घटनाएं होती हैं वो सर पे ही चोट ज़्यादा लगती है, जिसके कारण मृत्युकारी होती है। लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है, पखवाड़ा भी चला गया और पुलिस विभाग और यातायात विभाग सारे, लेकिन काफ़ी जागरूकता नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए भी कोई अन्य कदम उठा रहा है? नहीं, हम लोग अभियान और पखवाड़े के चक्कर में नहीं है, हमारे लिए डेली अभियान है, डेली पखवाड़ा है, हम लोग रोज़ के हिसाब से पखवाड़ा और अभियान चला रहे हैं। हर दिन उतनी मेहनत कर रहे हैं जितने दिन अभियान में चलती है, जितने पखवाड़े में चलती है, और हम लोग प्रयास से लगभग 60% लोग हेलमेट पहनने लगे हैं।